भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर वार्ड में विकास यात्रा निकाली जा रही है। इस विकास यात्रा का उद्देश्य सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओं का लाभ हर आदमी तक पहुंचाना है। डॉक्टर जामदार ने बताया कि 5 तारीख से शुरू हुई विकास यात्रा आज रानी दुर्गावती वार्ड में निकाली गई। रानी दुर्गावती वार्ड हम सबके लिए एक आदर्श है। अपने राज्य शासन में अपनी प्रजा के लिए जिस प्रकार की जनहित योजनाएं रानी दुर्गावती ने जबलपुर जिले तक नहीं बल्कि मंडला नरसिंहपुर तक बनाई थी वह अद्वितीय थी। उसके प्रमाण हमारे शहर में देखने को मिलते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उनका लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सके उसकी जानकारी देने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है। 5 तारीख को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज रानी दुर्गावती वार्ड में है। रानी दुर्गावती समाज के लिए, भारत के लिए और सभी राजकर्ताओं के लिए एक आदर्श है। अपने राज्य शासन में अपनी प्रजा के लिए जिस प्रकार की जनहितकारी योजनाएं रानी दुर्गावती जी ने पूरे जिले के अंदर केवल जबलपुर में नहीं तो यहाँ से मंडला नरसिंहपुर तक जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई थी वो अद्वितीय थी। उसका प्रमाण है हमारा रानी ताल, हमारा चेरी ताल, हमारा आधार ताल और इस पूरे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाली रानी दुर्गावती उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के संकल्प से शिवराज जी के मन में ये संकल्प निर्माण हुआ कि आज मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जो उस व्यक्ति के घर तक जाए, जो पात्र व्यक्ति है, जिन योजनाओं का लाभ ले सकता है वो क्यों लाभ नहीं ले पाता, वो क्यों सरकारी कार्यालयों नहीं आ पाता, डर के मारे, अशिक्षा के कारण, अनेक कारणों से वो आ नहीं पाता। और इसलिए शिवराज जी ने निर्णय लिया कि सरकार जाएगी, व्यक्ति के घर तक जाएगी, उसके मोहल्ले जाएगी, उसकी गली में जाएगी और जो सरकारी योजनाएं आज पिछले 15 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे सबसे गरीब, सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उनको दिलवाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे बीच में अभिलाष पांडे जी हैं, डॉक्टर चौधरी जी हैं, प्रिया जी हैं, पंडित राममूर्ति मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं और यहाँ के जो हमारे अत्यंत उत्कट नेता यानी अज्जू तिवारी जी, उसके मार्गदर्शन में यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शासकीय व्यवस्था के जितने सेवक हैं वो सब इस यात्रा में चल रहे हैं। रानी दुर्गावती वार्ड के कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी मेहनत लगातार कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास यात्रा लेकर निकली। हम 230 विधानसभाओं में निकले हैं। पश्चिम विधानसभा में लगभग 13 वार्डों की हमने यात्रा पूरी की है। 14वें वार्ड में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से जनहित ऐसी विकास के कार्य जनता तक पहुँचे, योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसलिए हम भी और साथ में अधिकारी, चाहे नगर निगम, महिला बाल विकास, फूड और बाकी राजस्व के अधिकारी भी हमारे साथ चल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान इस पश्चिम विधानसभा में अभी तक हम लोगों ने लगभग 25.5 करोड़ रुपए की राशि का भूमि पूजन किया है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। आज रानी दुर्गावती वार्ड में ये यात्रा निकल रही है, कल इसके बाद वीर सावरकर वार्ड में ये यात्रा जाएगी। उत्साह का माहौल है, जनता और हितग्राही अधिकतम लाभान्वित हों इसका उद्देश्य है।